सोलन के सरस्वती विद्या मंदिर में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्वामी वेदराज आनंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश्वर चंदेल एवं हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी और भविष्य में स्कूल के लक्ष्यों के बारे में भी बताया। स्कूल के विद्यार्थियों जिन्होंने शिक्षा, खेल और अन्य गतिविधियों में स्कूल का नाम रोशन किया, उन्हें मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। विद्यार्थियों द्वारा कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश्वर चंदेल एवं हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने कहा कि आज देश में नई शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है, वहीं सरस्वती विद्या मंदिर नई शिक्षा नीति के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। योग और संस्कृत का अनोखा मिलन इस स्कूल में देखा जा रहा है। अन्य स्कूलों को भी सरस्वती विद्या मंदिर की तरह कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौणी विश्वविद्यालय स्कूलों के साथ जुड़कर कृषि को कैसे बढ़ा सकता है, इस बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। जल्द ही इसके लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, वहीं शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। मैं डॉक्टर राजेश्वर चंदेल नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति हूँ। राज विद्या विद्यालयकर सरस्वती विद्या मंदिर का आज वार्षिक उत्सव है, इसमें आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसकी प्रबंधन समिति को, उनके मुख्याध्यापक और सारे अध्यापकों को बधाई देता हूँ कि एक पूरा सुसंस्कृत कार्यक्रम आज इन्होंने प्रस्तुत किया और स्वामी पूज्य वेदानंद जी का आशीर्वाद आज हम सबको मिला और आनंद परिवार भी, जिन्होंने भूमि दान स्कूल के लिए की, वो भी आज यहाँ पर आए। आज पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जिस नई शिक्षा नीति के लिए आज हम सब इंस्टीट्यूट तैयार हो रहे हैं, अपने आप को उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, इन विद्यालयों ने शिक्षा के साथ साथ संस्कार, शिक्षा के साथ साथ योग, शिक्षा के साथ साथ कैसे राष्ट्र के लिए एक समर्पित विद्यार्थी निकलेगा, ये पहले से ही इसके लिए तैयार हैं। बच्चों को ये शिक्षा के साथ साथ ये सब संस्कार विद्यालयों में मिलते हैं। आने वाले दिनों में हमारा जो नौणी विश्वविद्यालय है, कैसे शिक्षा समिति के इन स्कूलों के साथ आगे काम करने की योजना कर सकता है, क्योंकि इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कृषि में कैसे आत्मनिर्भर बनना, कृषि की क्या वैज्ञानिक विधियाँ हैं और कृषि भी एक उपयोगी स्वरोजगार हो सकता है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा समिति के सभी स्कूल और हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इन स्कूलों में जाएं और इन बच्चों का एक्सपोजर हमारे विश्वविद्यालय में हो, ये प्रयत्न मैं आगे आने वाले दिनों में करने की कोशिश करूँगा। दिलाराम चौहान, महासचिव हिमाचल शिक्षा समिति। विद्या भारती के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब तक हिमाचल प्रदेश में 195 औपचारिक विद्यालय और 70 अनौपचारिक विद्यालय चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज सोलन जिला के इस सोलन विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर के वार्षिक उत्सव में हम पधारे हैं और इस वार्षिक उत्सव में बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी वेदराज आनंद जी उपस्थित रहे और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी, डॉक्टर परमार यूनिवर्सिटी के कुलपति जी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है और शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए इस हेतु कार्य को पूर्ण करने हेतु काम कर रही है।